मेरे आगे के प्यारे छात्र छात्राएं, पांचवा प्रश्न तक पहले प्रिंट हो चुका है। सब्जी और मसालों के नाम हिंदी में लिखिए। अभी सिक्स्थ प्रश्न से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, नीचे लिखे शब्दों के लिए आप प्रधान प्रतीक निकालिए। नीचे लिखे शब्दों के लिए वर्ग में से एक पर्यायवाची समानार्थक शब्द तथा एक विलोम शब्द यानी विरोधार्थक अपोजिट वर्ड्स ढूंढकर, शब्द ढूंढकर लिखना है। एक पर्यायवाची शब्द और एक विलोम शब्द इन शब्दों में से छिपे हुए, आपको क्या करना है, ढूंढ के पर्यायवाची शब्द लिखना है और विलोम शब्द लिखना है। मैं यहाँ आपको उत्तर के साथ देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द पुरस्कार, पहला शब्द है पुरस्कार, इसका पर्यायवाची शब्द है इनाम। ध्यान से सुनो बच्चों, पुरस्कार का पर्यायवाची समानार्थक शब्द इनाम है और इसका विलोम शब्द क्या है, पुरस्कार का तिरस्कार। पुरस्कार का अपोजिट वर्ड तिरस्कार। दूसरा है तोड़ना, पर्यायवाची क्या है, चूर चूर करना, क्या चूर चूर, हाँ इसका अपोजिट वर्ड क्या है, जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। भलाई बुराई, इसका अपोजिट वर्ड बुराई, इसका समानार्थक शब्द अच्छाई, भलाई अच्छाई। आकाश आसमान, आकाश का समानार्थक शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, आसमान, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, भूमि। पाना प्राप्त करना, पाना शब्द का समानार्थक शब्द है प्राप्त करना, अपोजिट है यानी विलोम शब्द है खोना, पाना खोना। सवाल प्रश्न, सवाल प्रश्न, सवाल जवाब, इसका सवाल यानी क्या है, प्रश्न समानार्थक, प्रश्न भी कहते हैं सवाल भी कहते हैं, इसका अपोजिट वर्ड है जवाब है उत्तर। दोस्त समानार्थक मित्र, दुश्मन ये क्या है, विलोम शब्द है। बुद्धिमान होशियार, मूर्ख बुद्धिमान होशियार समानार्थक शब्द है, इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द कौन सा है, मूर्ख है। समझो पवित्र, इसका समानार्थक है निर्मल, अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या है, अपवित्र। सुबह सवेरा, सुबह को सवेरा भी कहते हैं और इसका अपोजिट है शाम, सुबह शाम। एक छठवा प्रश्न हुआ, इस शब्द के एक पर्यायवाची और एक विलोम शब्द। तो मैं सातवां प्रश्न है कि सातवां प्रश्न क्या है, इस बुक में देखो पेज नंबर 4 सेवंथ क्वेश्चन, इन संख्याओं को हिंदी में लिखना है। ये संख्या दी गई है, उनको हिंदी में लिखना है। 1/4 पाव, 1/4 पाव, 1.5 आधा, 1.5 को 1.5 यानी 1/2, 1/2 आधा, 3/4 पौना, और 1/2 डेढ़, 1/3 पौने दो, और 2/2 1/2 यानी ढाई, 2.5, हाँ इस तरह ये अंग्रेजी में शब्द है, आपको हिंदी में लिखना है या अच्छी तरह लिख के रखना है। ब्रिस्कोस परीक्षा में आपको
उसमें से कौन से भी प्रश्न आते हैं। आठवां प्रश्न है खाली जगहों में सही लिंग वचन शब्दों को भरिए। आठवां प्रश्न देखो, खाली जगहों में सही लिंग और वचनों के बारे में लिखना है, शब्दों को भरना है। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पुल्लिंग है और यहाँ बहुवचन है। क्या है? यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग है, या बहुवचन है। हाँ, इसमें उदाहरण क्या है? देखो, युवती स्त्रीलिंग, युवक पुल्लिंग, बहुवचन युवक ये दिया गया है। उसी तरह लड़की दिया गया है, लड़की, इसका पुल्लिंग लड़का और लड़के। यहाँ घोड़ी घोड़ा घोड़े, बहन भाई बहने, बच्ची बच्चा बच्चे। मनुमा यहाँ बच्चे प्रश्न में है, जो डैश है ना वो ये प्रश्न में इस रूप में है, ये उत्तर है, पार्टिसिपेशन उत्तर है। यहाँ बहन भाई बहने, बच्ची बच्चा बच्चे। हाँ, चूहिया, यहाँ चूहिया प्रश्न है, उत्तर क्या है? चूहा चूहे, माता पिता माताएं, देवी देव देवता, छात्राएं छात्र, देखो छात्राएं छात्र और छात्र, यानी स्त्रीलिंग छात्राएं, पुल्लिंग छात्रा छात्र, बहुवचन भी छात्र। इस तरह बुढ़िया, बुढ़िया का पुल्लिंग शब्द बुढ़ा और बहुवचन बूढ़े। शेरनी का पुल्लिंग शब्द शेर, शेर, बहुवचन भी शेर। यहाँ क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसलिए अंग्रेजी का अनुवाद आप लिख के रखना है। देखो, बापूजी सबके साथ प्रेम से रहते थे। प्रश्न क्या है? बापूजी सबके साथ प्रेम से रहते थे। बापूजी लिव्स विद एवरीवन्स लव, बापूजी लिव्स विद एवरीवन्स लव। दूसरा प्रश्न क्या है? खूब पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, खूब पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह इंग्लिश में है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड ए लॉट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड ए लॉट। तीसरा क्या है? मेरे पास एक उपाय है, आई हैव ए सोल्यूशन, मेरे पास एक उपाय है, आई हैव ए सोल्यूशन। चौथा, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, समझा? हम पर्यावरण की, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, समझे ना? देखो, दसवां और आखिरी प्रश्न है, अपने गांव आने के लिए, इस बुक में देखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, अपने गांव आने के लिए निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स एंड कॉल टू योर विलेज। अपने गांव आने के लिए निमंत्रण देते हुए, इन्विटेशन देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखी है। इस तरह एक पत्र का प्रश्न है, प्रश्न में क्या है? अपने गांव आने के लिए निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इस तरह देखो, पहले स्थान लिखना, चकोरी में तो कौन सा लड़का गाँव का नाम लिख सकते, दिनांक लिखते, कितना चाहिए? 5/7/2021। प्रिय रमेश, मित्र का नाम कौन सा लिख सकते? सुरेश, रमेश, कुछ भी लिख सकते, प्रिय रमेश।
सप्रेम नमस्ते कैसे शुरू करना है, इसके किसी भी ध्यान करते हैं। नाम के बाद सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, इसके बाद कैसे हो आप पत्र में जैसे आप बोलते नहीं मित्र के साथ वैसा ही पत्र लिखना है। कैसे हो आशा करता हूं कि तुम भी वहां सकुशल हो, तुम भी वहां आराम से होगे। अगले हफ्ते 12 जुलाई को यहाँ रमेश को क्या तुम लोग पत्र लिख रहे हो? अगले हफ्ते 12 जुलाई को, आज 5 तारीख है, 12 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर, इस अवसर पर मेरे गांव में एक छोटी सी क्या बर्थडे पार्टी, छोटी सी जन्मदिन की पार्टी आयोजित की है, छोटी सी पार्टी आयोजित की है। सभी दोस्त मंडल भी आ रहे हैं। देखो इस पार्टी में भाग लेने के लिए सभी दोस्त मंडल भी आ रहे हैं। तुम्हें भी आना होगा, तुम्हें भी आना जरूरी आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना है। इस तरह रमेश को तुम पत्र लिखना है, तुम्हारा मित्र लोग। इस तरह क्या है, रमेश का एड्रेस यहां लिखना है, रमेश का एड्रेस कौन सा हुआ, आपका गांव छोड़ के, चकोरी छोड़ के आपका गांव कौन सा है और छोड़कर दूसरा कौन सा गांव लिख सकते हैं, और घर नंबर लिख सकते हैं, नाम घर नंबर, रमेश नाम लिखना इधर, घर नंबर लिखना और उनके गांव का नाम, उनका एड्रेस। ओके बच्चों, अच्छी तरह 1 से 10 प्रश्न तक तैयारी करके रखना है। हम आपको हर एक प्रश्न के ऊपर देखो एक से लेकर 10 में से एक एक प्रश्न कंपलसरी में अनिवार्य हम देंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर की तैयारी करना जरूरी है। ओके धन्यवाद।